स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, सबसे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि यहां पर मैं आपकी बेहतर तैयारी करा रहा हूं 2023 बोर्ड परीक्षा की। आप चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को देखें और अपनी नोट्स बनाएँ वीडियो को देखकर, और साथ ही मैं आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित भी महत्वपूर्ण ट्रिक्स और टिप्स दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है, जी हाँ, संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है, पहले पाठ का नाम क्या है, वाराणसी अर्थात बनारस। और इस पाठ का यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम श्लोक, इस पाठ का जो यहाँ पर दिया हुआ है अंतिम श्लोक लिखा हुआ है, मरणम मंगलम यत्र विभूति यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी के नोपमायते। इसका मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, क्या बताऊंगा आज के इस वीडियो में, संदर्भ बताऊंगा और साथ ही इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। तो यदि आप चैनल के साथ जुड़े हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपसे एक आग्रह है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट, जी हाँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, जिसमें मैंने इस पाठ की, संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है और इस पाठ का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला गद्यांश है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, दूसरा गद्यांश है वाराणसस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति दोहतते, तीसरा गद्यांश है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, और चौथा गद्यांश है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। सभी गद्यांशों से, जी हाँ, सभी गद्यांशों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने प्रत्येक गद्यांश का अलग अलग संदर्भ और हिंदी अनुवाद से वीडियो उपलब्ध कराया है, संबंधित वीडियो उपलब्ध कराया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं चैनल के साथ जुड़कर, और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं चैनल के साथ जुड़कर के। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस श्लोक का हिंदी अनुवाद और साथ ही संदर्भ। तो कैसे आपको लिखना है इसका संदर्भ, सबसे पहले आपको शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक पेन से मैंने लिख रखा है और मैं आपको लिखकर स्वयं बताता हूँ, ताकि आप भी लिखें, अपनी नोट्स बनाएं और आपकी राइटिंग अच्छी हो, क्योंकि यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको शायद अच्छे अंक ना मिलें, लेकिन यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो अच्छी बात है, और यदि आप प्रयास करते हैं लिखने का तो राइटिंग आपकी अच्छी होने लगेगी, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो मरणम मंगलम, यहाँ पर आप देख सकते हैं मरणम मंगलम शुरुआती शब्द है, और केन नियते या जो है अंतिम का शब्द है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके बाद हेडिंग पड़ी हुई है संदर्भ, क्या हो जाएगा संदर्भ, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है सिंगल इनवाइटेड कामा के अंतर्गत, और संस्कृत खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है सिंगल इनवाइटेड कामा के अंतर्गत। इसके बाद आपको पाठ का नाम भी ब्लैक पेन से ही लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाराणसी पाठ से उद्धृत है, बिल्कुल आसान है संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से लिया गया है, संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगलम मंगलम यत्र विभूतिज्ञ विभूषणम, क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, कि जहां मरना मंगलकारी है, जहां मरना मंगलकारी है और जहां भस्म आभूषण है,
जहाँ मरना मंगलकारी है और जहाँ भस्म क्या है आभूषण है, जहाँ लंगोटी रेशमी होती है। कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनो पमायते, जहाँ लंगोटी क्या होती है रेशमी होती है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। बिल्कुल आसान है हिंदी अनुवाद कि जहाँ मरना मंगलकारी है और जहाँ भस्म आभूषण है, जहाँ लंगोटी रेशमी होती है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस श्लोक का भी सरल हिंदी अनुवाद और संदर्भ भी बता दिया है आज के इस वीडियो के द्वारा। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं, जी हाँ, इस पाठ के जितने भी गद्यांश हैं सभी से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने अलग अलग सभी गद्यांशों का संदर्भ और उनका हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराया है। आप उन सभी वीडियोस को क्रमवार से देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पाठ की संपूर्ण हिंदी व्याख्या अर्थात इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप वीडियो को शेयर भी करें तथा अपनी नोट्स भी बनाते रहें। 2023 बोर्ड परीक्षा में यदि आप अच्छे अंक पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो बिल्कुल आसान, मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया है, संदर्भ भी बताया है। एक बार पुनः मैं आपको सरल शब्दों में बता दूं, मरणम मंगलम यत्र विभूतिज्ञ विभूषणम, जहाँ मरना कल्याणकारी है या मंगलकारी माना जाता है और जहाँ भस्म आभूषण है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिज्ञ विभूषणम, जहाँ मरना कल्याणकारी है और वहाँ की भस्म क्या मानी जाती है, आभूषण के समान समझी जाती है। कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, अर्थात जहाँ लंगोटी रेशमी होती है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ें। इसके बाद मैं आपको अगले क्रम में जो अगला संस्कृत खंड का पाठ है उससे भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें मैं प्रत्येक गद्यांश हो या पद्यांश उसका संदर्भ और उसकी सरल हिंदी व्याख्या अर्थात उसका सरल हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा। आप चैनल के साथ जुड़िए और यहाँ पर आपको हिंदी गद्य खंड, हिंदी पद्य खंड तथा हिंदी संस्कृत खंड और हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल के साथ जुड़िए और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कीजिए। जय हिंद।